नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन गुरुजी। आज अपन बात करेंगे हैंडबॉल कोर्ट मेजरमेंट के बारे में, जिसकी लेंथ यानी लंबाई होती है 40 मीटर और विड्थ यानी चौड़ाई होती है 20 मीटर। तो चलिए अपने ग्राउंड को मार्क करते हैं। सबसे पहले अपने को ए पॉइंट से बी तक 40 मीटर की एक बेस लाइन लेनी है। उसके बाद बी से सी तक अपने को 44.72 मीटर का डायगोनल चाप निकालना है। फिर ए से सी तक 20 मीटर का, और फिर ए से डी तक अपने को फिर वापस डायगोनल चाप निकालना है। फिर बी से डी तक 20 मीटर मिला देंगे, और फिर डी से सी को 40 मीटर मिला देंगे। ये मिलाने के बाद अपने पास चौरस खाका तैयार हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को 20 मीटर पर एक सेंटर लाइन बनानी है। सेंटर लाइन बनाने के बाद अपने को 6 मीटर पर गोल एरिया लाइन बनानी है। उसके बाद अपने को एक 4 मीटर पर गोल कीपर लाइन लगानी है या डॉट लगाना है। ये डॉट लगाने के बाद जहाँ से मैंने ये मार्क कर रखा है वहीं से अपने को चाप लगाना है। फिर फ्री थ्रो लाइन 9 मीटर पर लगानी है अपने को, जो डॉट डॉट करके फ्री थ्रो लाइन मार्क करनी है। फिर अपने को 7 मीटर पर प्लेंटी डॉट या प्लेंटी लाइन लगानी है। प्लेंटी डॉट लगाने के बाद मैंने पीछे जहां मार्क करके बताया था वहां से अपने को 20 मीटर का हाफ लेकर वहां से अपने को ये सब मार्क करना है। 6 मीटर, 9 मीटर और 4 मीटर और 7 मीटर, ये सभी मार्क अपने वहां सेंटर को से ही मार्क करने हैं। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन एरिया की। सब्स्टिट्यूशन एरिया जो अपना होता है वो शुरू होता है 4.5 मीटर सेंटर लाइन से। दोनों तरफ 4.5 मीटर तक सब्स्टिट्यूशन एरिया होता है। यहाँ से प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और जो भी प्लेयर सब्स्टिट्यूट होगा ये 4.5 मीटर सेंटर लाइन से दोनों तरफ इसी से ही एंट्री होगी। तो अब अपने बात करते हैं गोल पोस्ट की। तो गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 3 मीटर, गोल पोस्ट की साइड से चौड़ाई 1 मीटर होती है, गोल पोस्ट की ऊंचाई 2 मीटर होती है, और जहां अपने गोल पोस्ट लगाते हैं गोल पोस्ट की दोनों तरफ जो जगह बचती है वो बचती है 8.50 मीटर। दोनों तरफ 8.50 मीटर बचती है। अब अपने बात करते हैं बॉल की। बॉल का वेट यानी वजन 425 से 475 ग्राम मेंस में होता है, और 325 से 375 ग्राम वुमेन्स में होता है, और सरकमफ्रेंस परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर मेंस में होती है और 54 से 56 सेंटीमीटर वुमेन्स में होती है। यह बॉल का वजन, वेट और परिधि। तो अब अपने बात करते हैं खिलाड़ियों की, और इसमें खिलाड़ी होते हैं 16। इसमें कुल खिलाड़ी 16 होते हैं, मैदान में 7 खिलाड़ी खेलते हैं, और पूरी टीम में 2 गोलकीपर होते हैं, 9 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, और खेल प्रारंभ करने के लिए कम से कम 5 खिलाड़ी होना आवश्यक है। इसकी हिस्ट्री की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।